बाप क्या होता है, बाप का साया क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ। एक बार एक बाप और उसका बेटा कहीं से जा रहे होते हैं और उसको रास्ते में मेला दिखता है, तो वो जिद करने लग जाता है कि उसको मेला देखना है। बट बाप के पास पैसे नहीं थे तो वो कहता है हम किसी और दिन देखते हैं, लेकिन बच्चा था वो, तो वो जिद करने लग जाता है। तो फिर वो लोग अंदर जाते हैं। अब जब वो अंदर जाता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। वो कहता है उससे खिलौने से खेलना है, उसे झूलों पे झूलना है, उसे जूस पीना है, मिठाई खानी है, लेकिन बाप कहता है उसके पास पैसे नहीं है। तो वो लोग फिर आगे बढ़ते हैं और फिर उसको ना एक बड़ा सा झूला दिखता है, जिसको देख के वो खो जाता है और वो अपने बाप का हाथ छोड़ देता है और फिर वो लोग अलग हो जाते हैं। तो वो रोने लग जाता है। फिर जब आगे से लोग आते हैं, वो पूछते हैं आप क्यों रो रहे हो, तो वो कहता है मैं अपने बाप से अलग हो गया हूँ, मेरे को वो मिल नहीं रहे। तो फिर वो लोग उसे चुराने की कोशिश करते हैं, उसे लालच देते हैं कि आपको खिलौना चाहिए, चलो मौत का कुआं देखने चलते हैं, झूले पर चलते हैं, मिठाई खाते हैं। लेकिन जो चीज़ें उस टाइम अपने बाप से मांग रहा था, उस टाइम पर उसको सिर्फ अपने बाप की याद आ रही थी, उसने उस टाइम पर वो चीज़ें नहीं ली, जबकि उस टाइम तो फ्री में चीज़ें ले सकता था। यही होता है बाप का साया, अगर बाप पास में ना हो ना तो कुछ अच्छा नहीं लगता, बाप के साये को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता।